गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरह की फ्रेम्स और एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है एनिमेशंस बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिशंस को, और ये ट्रांजिशंस क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है, ये देखेंगे जल्दी से। लेकिन अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करें, ये जो स्टार है, और यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी बन जाए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा एक नई फाइल बनाकर, जिसमें मैं बनाऊंगा एक नई फाइल जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut37.html, और यहाँ पर एडिटर को थोड़ा सा बड़ा करके जल्दी से यहाँ पर html की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ css transitions। एक बार मैंने ये लिख दिया तो मैं स्टाइल टैग ऐड करूँगा, और स्टाइल टैग ऐड करने के बाद एक बेसिक सी हम लोग बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मान लो एक हेडिंग लिखता हूँ दिस इज css ट्रांजिशन ट्यूटोरियल। गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो पेज है वो लाइव खुल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है इसमें ऑलरेडी मैंने 36 वीडियोज़ ऐड किए हुए हैं, और ये 37th वीडियो है। अब यहाँ पर सेव किया मैंने, एक काम करता हूँ यहाँ पर डिव डॉट कंटेनर बनाता हूँ, और डिव बनाता हूँ एक आई डी, इसको मैं बॉक्स देने वाला हूँ, आई डी इज इक्वल टू बॉक्स दे देता हूँ क्योंकि एक डब्बा है। और यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा दिस इज माई बॉक्स, और मैं इस बॉक्स को क्या करूँ, इस बॉक्स को एक फ्लैक्स बॉक्स बना लेता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ इसकी फ्लैक्स। अब इस बारे में हमने बात करी थी, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करता हूँ और उसी के साथ साथ अलाइन कंटेंट्स को सेंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड और हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ। हाइट कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, विड्थ इसकी कर देता हूँ 200 पिक्सल, और उसी के साथ साथ हाइट और विड्थ के साथ एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ माई बॉक्स आया, सेंटर हो चुका है वर्टिकली, लेकिन ये सेंटर नहीं हुआ है, और उसकी वजह यहाँ पर क्या है ये देखते हैं। मुझे यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अलाइन कंटेंट होता है वो स्पेसिंग को बराबर करता है। एनीवेज अब ये सेंटर हो जाना चाहिए, हाँ मेरा जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है वो सेंटर हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं ट्रांजिशन का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या लिखूँगा यहाँ पर, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि मैं ट्रांजिशन करना चाहता हूँ। मान लो मैं बैकग्राउंड कलर ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि कोई भी अगर मेरे इस बॉक्स में होवर करेगा तब क्या हो जाना चाहिए, ये जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर वाइट। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, और चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर को वाइट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने लिखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया, यानी कि दिख ही नहीं रहा है। मैं कुछ और कर देता हूँ कलर, यार मैं एक काम करता हूँ इसको ब्लैक करता हूँ ताकि कम से कम दिखे तो सही। तो ये देखो ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ये देखो। या फिर एक काम करता हूँ मैं बॉडी को कर देता हूँ वाइट, सॉरी ब्लैक, और मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, सेव। और यहाँ पर जैसे ही मैं होवर करूँगा ये देखो वाइट हो गया। तो इस तरह से जो है मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन जो है पता नहीं चल रहा है आपको, ये ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है। अब ये ट्रांजिशन का क्या मतलब है, यानी कि ये सारे कलर्स जो बीच में है उसके उनसे गुजरता हुआ कलर चेंज करता हुआ वाइट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ कैसे काम करती है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ट्रांजिशन ड्यूरेशन डालूँगा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन अगर मैंने 1 सेकेंड डाल दी तो ये इस ट्रांजिशन को पूरा करने में 1 सेकेंड का टाइम लेगा। ये देखो इसने 1 सेकेंड का टाइम लिया अपने रेड से वाइट होने में, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को कर दूँ मान लो 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड का पूरा टाइम लेगा ट्रांजिशन होने में। ये देखो इसने पूरा 2 सेकेंड का टाइम लिया, ये 2 सेकेंड का टाइम लिया इसने, हटाया मैंने तो ऐसे हो गया। अब हमने एनिमेशन में देखा था कि हमारे पास टाइमिंग फंक्शन था, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास टाइमिंग फंक्शन ट्रांजिशन में भी होता है, और इसमें आप ईज इन, ईज आउट और ईज इन आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज इन में क्या होगा कि शुरू में जो है ये स्लो हो जाएगा और फिर उसके बाद फास्ट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। उसी तरह ईज आउट में इसका उल्टा होगा, शुरू में फास्ट जाएगा फिर एकदम से स्लो हो जाएगा। देखो ईज आउट, ईज आउट मतलब जब ख़त्म हो रहा है तो स्लो हो जाएगा, देखो एकदम से हुआ फिर स्लो हो गया। मैं इसके टाइम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं अगर 12 सेकेंड करूँ इसको और इसको यहाँ लेकर जाऊँ, तो देखो शुरू में एकदम स्लो है और फिर एंड में एकदम से क्या करेगा,
एकदम से वाइट हो जाएगा, ठीक है, अचानक वाइट हो गया। देखो तो इस तरह से जो है ये ईज इन ईज आउट और ईज इन आउट काम करते हैं। उसी तरह ईज इन आउट होता है जो स्लोली स्टार्ट होगा और स्लोली एंड होगा। और ये जो टाइम है मेरे हिसाब से 12 सेकंड कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने, मुझे इसको 4 सेकंड कर देना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये स्लोली स्टार्ट होगा स्लोली एंड होगा और बीच का जो पार्ट है वो बहुत तेज़ी से पूरा करेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है टाइमिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एनिमेशन में डिले था, यहाँ पर ट्रांजिशन में भी डिले है, आप डाल सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के बाद चालू हो मेरा ट्रांजिशन, तो ये देखो 2 सेकंड के बाद चालू होगा। ठीक है, मैं टाइमिंग फंक्शन हटा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 2 सेकंड गिनना और फिर उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगता है इसका जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, 1 सेकंड रखता हूँ सिर्फ। उप्स, यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र खोलता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना होवर किया, फिर ये देखो 4 सेकंड के बाद कितना, 2 सेकंड लगाया था मैंने, 2 सेकंड का डिले लगाया था, उसके बाद जो है ये चालू हो गया। तो गिनना 2 सेकंड, 1, 2, और अब हो जाएगा, देखो हो गया। तो 2 सेकंड के बाद हमने देखा कि ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ट्रांजिशन से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांजिशन, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ जिसमें मैं सबसे पहले डालूँगा कि कौन कौन सी मुझे प्रॉपर्टी ट्रांजिशन करनी है। जैसे यहाँ पर मैं बैकग्राउंड डाल सकता हूँ और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं टाइमिंग दे सकता हूँ कि कितना ड्यूरेशन के लिए मैं, यानी कि जिसको ट्रांजिशन ड्यूरेशन बोलते हैं वो दे सकता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं 1 सेकेंड दे दूँ। और उसके बाद ये जो ईज इन आउट हमने लिखा था, यहाँ पर ईज इन आउट लिखा हुआ है, वो मैं लिख सकता हूँ इसके बाद ईज इन आउट। और इसके बाद जो डिले है, मान लो 3 सेकंड का डिले रखना चाहता हूँ, तो मैं ये हटाकर सिर्फ एक लाइन में इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चार की चार प्रॉपर्टीज एक लाइन में। तो ये देखो यहाँ पर मैं लेकर गया तो ये 3 सेकंड वेट करके और फिर ट्रांजिशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार की जगह हमने इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिख दिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन वन लाइन। इसको वन लाइनर भी बोलते हैं, लेकिन आप जो मन चाहे बोल लेना, एज लॉन्ग एज आपको आता है कैसे काम करता है, ये शुड बी गुड। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन हो, मैं डिले को ज़रा कम कर देता हूँ, यहाँ पर 3 को 0.3 कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई डिले आए, और ईज इन आउट तो ठीक है। अब मान लो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ना सेम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 2 सेकंड, ये वाले 2 सेकंड से मैप हो रहा है, ईज इन आउट इससे मैप हो रहा है, 1 सेकंड इससे मैप हो रहा है, बैकग्राउंड कलर इससे मैप हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे मैं कुछ भी करता रहूँगा, तो मैं यहाँ पर ऑल लिख सकता हूँ, यानी कि मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिशन करना चाहता हूँ। अब अगर मैं ऑल ना लिखूँ और मैं यहाँ पर मान लो इसकी जो हाइट है वो कर दूँ 400 पिक्सल, और इसकी विड्थ कर दूँ मान लो 300 पिक्सल, और मान लो मैं चाहूँ कि ये भी मेरा ट्रांजिशन हो जाए, ट्रांजिशन नहीं होगा, ये अचानक से मेरी बढ़ जाएगी हाइट इसकी। देखो मैंने इसको रिलोड किया, ये देखो एकदम से बढ़ गई, ट्रांजिशन नहीं हुआ, ट्रांजिशन सिर्फ कलर का हो रहा है। देखो अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ऑल कर दूंगा, और ऑल का मतलब है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिशन करो। तो मैं यहाँ पर हाइट, वेट, ये सब चीज़ें जो है ट्रांजिशन करा सकता हूँ। तो मैं अभी इसमें आऊँगा, अगर देखो इसकी हाइट और वेट जो है ट्रांजिशन हो रही है। अब यहाँ पर मैंने 400 400 करी, 400 300 भी कर सकते हैं आप, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो 400 300 करी तो इस तरह ट्रांजिशन हो रही है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं अगर बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ तो देखो ये ऐसे राउंड भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको 400 400 करता हूँ और बॉर्डर रेडियस को 100 करके देखता हूँ, और इसको ना ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, और मैं रेड से ग्रीन में देखो ट्रांजिशन हो गया इस तरह से। और मैं हटाऊंगा अब अगर अपना माउस, तो ये देखो वापस ऐसे आ गया। तो इस तरह के इफेक्ट्स अगर आप लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं सीएसएस से तो वो कर सकते हैं। और जब ये ग्रो होगा तो हो सकता है कि आप इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ाना चाहें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ जाए, 16 पिक्सल डाल देना, सेव करना। और यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा ऐसे, खैर 16 पिक्सल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 25 पिक्सल करते हैं। और देखो मैं इस पर जैसे ही होवर करूँगा, ये देखो फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया इसका। और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो आप 45 करना चाहते हैं, यानी कि 45, तो आप 45 भी कर सकते हैं। देखो मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। और इस तरह के इफेक्ट्स जो हैं आप लोग अपनी सीएसएस की मदद से डाल सकते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन हो सकती हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन हो सकती हैं जिनकी कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि कलर्स हैं, कलर्स कंटिन्यूसली जा सकते हैं ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन।
अब जो बाइनरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशन ना करें आप लोग, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन आप इफेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो आपको हाइट वेट ये सब चीज़ें जो है ट्रांजिशन करनी है, तो ये आपको छोटे से बड़ी होती हुई मिलेंगी, ठीक है, एक एनिमेशन सा बन जाएगा। तो आप ओपेसिटी हो गई, हाइट हो गई, मार्जिन हो गई, फॉन्ट साइज हो गया, ये सब चीज़ें जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करें अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ इस चीज़ को, मुझे कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है कोर्स आप लोगों को सो फार। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली यहाँ पर क्लिक करके इसको अभी बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। और रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, उससे मेरा जो है काफ़ी हौसला बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।